ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको ये बता दें कि अभी उद्धव ठाकरे होटल में है। हमने आपको बताया था ये सिर्फ उद्धव ठाकरे तय करेंगे कि वो सीधा लक्ष्मण किला जाते हैं या फिर वो होटल में रुकते हैं। अभी वो होटल में है, 2:15 या 2:20 के आसपास जो है वो लक्ष्मण किला का रुख करेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी और उनका बेटा भी वहां, आदित्य ठाकरे भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। उसके बाद वो वहां का कार्यक्रम खत्म करके सरयू तट पर पहुंचेंगे, सरयू नदी की आरती होगी और कल वो रामलला के दर्शन करेंगे। इस बीच रामदेव ने एक बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि सरकार, इसमें आपको याद होगा जब राम सम्मेलन हुआ था एबीपी न्यूज पर, तब भी बाबा रामदेव ने कहा था कि सरकारों ने इस मसले को हल जितना जल्दी करना चाहिए था किया नहीं है, सिर्फ राजनीति हुई है। तो जल्द से जल्द सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश यहाँ बाबा रामदेव करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरीश जी, इसीलिए अब ये सवाल उठने लगा है कि चूंकि सरकार नहीं कर पाई है तो उसने वीएचपी को आगे कर लिया है कि जरा आप हम पर दबाव डालिए तो हम कुछ और करने की कोशिश करेंगे। वीएचपी को सरकार क्यों आगे करेगी? 1984 से विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन आरंभ किया है, पूरे 3.5 लाख गांवों में शिला पूजन करके राम मंदिर के प्रश्न पर पूरे देश का जागरण किया है। हाँ, लेकिन संत समाज नाराज है अमरीश जी। एक बार बाबा रामदेव का बयान सुना दूं? बाबा रामदेव जी का बयान आपने कहा, मैंने सुन लिया, मैं एक बार सुन लेती हूँ। संत है, उनकी बात तो सुननी चाहिए। हाँ, बाबा रामदेव। राम मंदिर का मार्ग तो प्रशस्त होना ही चाहिए। कोर्ट से इतनी देर हो चुकी है कि लोगों का शब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए अब दो विकल्प हैं, या तो संसद में कानून बना करके मंदिर बने या लोग स्वयं मंदिर बनाना शुरू कर दें। लोग यदि स्वयं मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं तो लोग कहेंगे कि कानून अपने हाथ में ले रहे हैं लोग। ऐसा होने से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना भी बनती है। और संसद इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और संसद में जब आदरणीय मोदी जी, जो खुद राष्ट्रभक्त और राम भक्त हैं, वो ये प्रस्ताव लाते हैं, तो मैं इस विश्वास का हूँ कि राम का राष्ट्र में कोई विरोध नहीं है। सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी भारतवासी हैं, सबके पूर्वज राम हैं, इसलिए राम का विरोध नहीं। बीजेपी का विरोध हो सकता है, मोदी जी का विरोध हो सकता है, तो फिर राम के नाम पर संसद में कानून लाना ही चाहिए और उसके द्वारा मंदिर बनना चाहिए। और यहाँ टाइटल सूट का मुद्दा है नहीं, ये जमीन का मुद्दा नहीं है, जमीर का मुद्दा है। टाइटल सूट का मुद्दा है नहीं, ये जमीन का मुद्दा नहीं है, जमीर का मुद्दा है। सुना आपने बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा कि टाइटल सूट का मुद्दा नहीं है। एक बार जल्दी से आप उद्धव ठाकरे की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये देखना जरूरी है, और उसके बाद अमरीश जी से जवाब लेंगे कि संत समाज नाराज है, इसीलिए वीएचपी को आगे कर दिया है कि सरकार नहीं, आप मनाने का काम कर लीजिए। लेकिन उद्धव ठाकरे को आप देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर आपके नजर आ रहे हैं। अभी तो अयोध्या में अगर चर्चा किसी का हो रहा है तो वो है शिवसेना का। पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बस से उनके समर्थक आए हैं, रेल से आए हैं, जहाज से आए हैं, दो दो ट्रेनें बुक की गई है शिव, और बाकायदा नारों की तैयारी के साथ आए हैं। नए जय भवानी, जय शिवाजी, उसके बाद जय जय श्री राम, पहले मंदिर फिर सरकार, ये नारे इस वक्त अयोध्या में आपको शिव सैनिकों द्वारा कहे जाते हुए सुनाई देंगे। इसका क्या मतलब है? शिवसेना का शेर आया, कौन आया, कौन आया, शिवसेना का शेर आया। अच्छा। शेर तो शेर मंदिर बनाएगा क्या? नहीं नहीं, शेर मंदिर बनाएगा नहीं, शिवसेना का मंदिर बनाने के लिए शेर चाहिए। आपको पता है सबसे बड़ा शेर कौन है और शेरों का शेर कौन है? सबसे बड़े शेर है। फिर खत्म बात, फिर बात खत्म। अमरीश जी आप बताइए, यहाँ तो शेर आ गए। अमरीश जी, शेरों का स्वागत है। बाबा रामदेव के वक्तव्य से किसी भी हिंदू और राष्ट्रभक्त को मतभेद होने का कोई कारण नहीं है। न्यायालय को 29 अक्टूबर को जब तिथि मिली थी, संपूर्ण देश की आशाएं टिकी हैं। हिंदू इस देश के विधान प्रधान का सम्मान करने वाला है। 29 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश जी ने जिस तरीके से इस विषय को टाला, उससे पूरा का पूरा हिंदू समाज आहत है। 100 करोड़ हिंदू समाज से के भावना से जुड़ा हुआ यह विषय है।
ये राम की जन्मभूमि का विषय है, ये कोई मिल्कियत का विषय नहीं है। तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया? पूरी बात हमारी सुन लीजिए। सुना ना हमने, इसलिए अगर न्यायालय देर करता, आप न्यायालय के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। आपको आरोप अपनी सरकार के ऊपर लगाना चाहिए। सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, शिवसेना आपके साथ है, जब सारा मुद्दा है और सरकार को। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी रामदेव जी ने यह भी कहा है कि राम का विरोध शायद इस देश में नहीं है, लेकिन मोदी और बीजेपी का कहीं ना कहीं विरोध सड़कों के ऊपर नजर आ रहा है। क्या मोदी और योगी का विरोध सड़कों पर नजर आ रहा है? विरोध है जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। 5 साल पूरे होने वाले हैं, आज तक मोदी जी अयोध्या एक बार भी नहीं आए। जी बिल्कुल नहीं आए, और ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार राम मंदिर के निर्माण के बिल्कुल। मोदी जी चुन के जो आए, इसी मुद्दे पे चुन के आए थे कि हमको पूरा बहुमत दो और हम मंदिर बनाएंगे। ये क्या है? तो शिवसेना तो मोदी जी को अभी नाराजगी की नजर से देखेगा ही ना सर? हाँ ना, अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ पे अयोध्या में योगी जी अपना पूर्ण जो है जो कर रहे, सहयोग कर रहे हैं विकास के लिए और मंदिर के लिए भी प्रयास। तो आपको आंख मूंद कर भरोसा है योगी जी पर? जी मतलब 10 साल तक भी मंदिर नहीं बनेगा तब भी योगी जी बना देंगे? हम लोग इतना प्यार राम से प्यार है या योगी से प्यार? जी हम लोग स्वयं बनाएंगे, जितनी जल्दी हो सके हमारे सबके सामने मंदिर बनना चाहिए। योगी के नेतृत्व में साल से 2 साल के अंदर ये मंदिर तो बना हुआ, उसको राम लल्ला को 40 साल से बंधक बना के रखा है ये सब दुनिया ने, 130 कोटि जनता हिंदुस्तान की। अच्छा तो आप ही मंदिर तो बनाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कानून बनने में इसलिए सरकार लेट कर रही है कि डर है कहीं विरोधी पार्टियां जो अभी जिस तरह से राहुल गांधी देश में कर रहे हैं कहीं दंगा ना फैला दें, इसलिए वो चाहते हैं कि सभी पार्टी एक हो। सभी पार्टी ये इसलिए डर रहे हैं, ये इसलिए डर रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, राम का मंदिर का मुद्दा लेके 5 राज्यों में यहाँ दंगा करा के 5 राज्यों में फायदा लेना चाहते हैं, और 2019 में फिर ये जनता को चूतिया बनाकर। अरे बाप रे, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, आप कैसे कैसे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हम इस तरीके की किसी भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, हम निंदा करते हैं, गुस्से हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप शब्दों को आपको पिरो कर अपनी बात को रखना होगा। ये सब लोग चाहते हैं मंदिर। अरे एक सेकंड सर, पहले मंदिर फिर सरकार, ये आप अयोध्या में आकर कह रहे हैं और महाराष्ट्र में पहले सरकार फिर बाद में मंदिर? हाँ उल्टी चीज है ये है ABP News, आपको रखे आगे।